हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुल्लू से मिल रही खबर के साथ, जहां पर लैंडस्लाइड में खंडवा के दो युवक फंसे हैं। श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए युवा गए हुए थे और खंडवा सांसद और विधायक से रेस्क्यू की अपील अब की गई है। तो कुल्लू मनाली में लैंडस्लाइड से हालात इस वक्त खराब चल रहे हैं। तो बड़ी खबर कुल्लू से आपको एक बार फिर से बता दें, लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से खंडवा के दो युवक बताया जा रहा है कि वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं और श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए ये युवा गए हुए थे। तो खंडवा के जो सांसद और विधायक, उन्होंने रेस्क्यू की अपील भी की है। ये मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू मनाली से एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। और देखिए, मौसम की वजह से अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है और इस वक्त भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए युवा यहाँ पर गए हुए थे। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शेख हमारे साथ जुड़ गए। शेख, देखिए, दो युवक के फंसे होने की जानकारी सामने निकल कर आ रही, रेस्क्यू की अपील भी की गई है, क्या रेस्क्यू शुरू हो गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि खंडवा के दो युवक, एक तो अपने श्रीखंड महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ से गए थे कुल्लू मनाली। आपको बता दूं कि वहाँ लैंडस्लाइड होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से पूरी तरह से फंस गए हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी हमको मिली है उसके हिसाब से वो अभी एक जगह पर फंसे हुए हैं और मौसम इतना खराब है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बात करें उन दोनों युवकों की, तो एक जो है वो खंडवा के माता चौक का निवासी है और दूसरा भी वहीं का निवासी है। दोनों लगभग जब यहाँ से थे उस समय मौसम, उन्होंने बताया कि वहाँ ठीक था, जब और मौसम अचानक वहाँ पर इतना खराब हुआ कि उन्होंने देखा है कि वहाँ कई लोग पानी में बह गए और कई लोगों की जिंदगी की पे बन आई थी। उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने लगातार इसको लेकर के अपने, चलिए नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेख आपका जानकारी के लिए। अगली खबर श्योपुर से, जहां पर उफान